शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नव मंगल हो, जल मंगल हो, नव मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, अभी महाराज श्री के मुखारविंद से सीता के अन्वेषण, सीता जी के दर्शन और रावण को यह एहसास करा दिया कि जो तुमने अपराध किया है उस अपराध का दंड तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। लंका दहन इसी का प्रतीक है। जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर विलक्षण वहाँ पे वाल्मीकि जी ने लिखा है, हनुमान जी ने रावण के जो जितने बड़े बड़े शस्त्रागार थे उनको भी जला दिया। लंका के चारों तरफ समुद्र में जो खाई बनी थी, जब लंका के दरवाजे बंद हो जाते थे फिर उस खाई को पार करके कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था, और हनुमान जी ने उसको भी ध्वस्त किया।
संपूर्ण रावण की उस स्वर्णमयी लंका को उन्होंने जो है जला दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह हनुमान जी ने यह सारे जगत को एक संदेश दिया। जो भी कोई गलत मार्ग में पैर रख करके अपने बल का दुरुपयोग करेगा, किसी भी प्राणी को, निरापराध व्यक्ति को सताने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति के लिए एक संदेश था। भले ही वह अपने बल के प्रभाव से यह सब कर रहा है, किंतु इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हनुमत चरित्र जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से किया गया है, यह इसी ओर संकेत करता है। माँ पराम्बा भगवती जानकी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई भगवान के आगमन की राह जो रही है। जब हम तुलसीकृत रामायण में इस विषय को पढ़ते हैं तो ये महसूस होता है चारों तीनों ऋतुओं में माँ उस अशोक वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी हुई उसी अवस्था में बैठी रही जिस अवस्था में रावण उनका अपहरण करके लाया। देखो, कोई भी सत्य मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, भले ही वह अकेला हो, किंतु वह दुर्दांत व्यक्ति जो शक्तिमान हो, वह उसको अपने व्रत से डिगा नहीं सकता है, यह इस बात का प्रतीक है। भगवान शिव ने उसको चंद्रहास खड्ग दिया है। भगवान शिव के वरदान स्वरूप उसको वह खड्ग प्राप्त हुआ है। जब सीता के सामने वह उस खड्ग को उठाता है तो खड्ग भी निष्क्रिय होता हुआ वहां देखा गया है। सत्य मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए जो निरापराध व्यक्तियों के ऊपर उसका प्रयोग करने की कोशिश करता है, वह शस्त्र भी निष्क्रिय हो जाता है, यह इस बात का प्रतीक है। निहत्ते हनुमान जी सतयोजन सागर को लांघ करके जब लंका में जाते हैं, और लंकनी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, और वह मानस के शब्दों में हम उसको पढ़ते हैं तो यह हमें महसूस होता है कि सीता जी का चरित्र, सीता जी की तपस्या देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भगवान की वन की यात्रा है उसकी एक झांकी हमको वहां पे दिखाई देती है। हनुमान सीता जी के दर्शन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में लोक भाषा में इस बात को कहा है, जिसकी चर्चा बीच बीच में महाराज श्री मानस के गायन के माध्यम से कर रहे थे, किंतु मनसा वही थी जो वाल्मीकि रामायण की है।
सीता जी को रावण का कोई प्रलोभन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। हमेशा वो एक तृण को, एक सूखे हुए घास के तृण को रावण के ऐश्वर्य से भी बड़ा समझती है। वो कहती है, जो अपनी नैतिकता पे जी रहा हो उसके लिए यह वैभव कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो हनुमान जी यह सब दृश्य जो है उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए देख रहे थे। कल महाराज जी ने सुनाया, सीता जी ने, हनुमान जी ने बड़ी अवधि भाषा में जो तिरहुत और अयोध्या के बीच में बोली जाने वाली भाषा थी, उस भाषा में सीता से को वह चरित्र सुनाया और अपने को वृक्ष के बीच में छिपाए रखे। जब हनुमान जी कह रहे थे उस समय सीता जी बार बार दृश्य के उस वृक्ष की ओर झांक रही थी, आवाज़ कहाँ से आ रही है। पर जहाँ से ये आवाज़ आ रही वहाँ कोई व्यक्ति दिख भी नहीं रहा है, किंतु अवधी और मैथिली भाषा के में यह बात बताई जा रही है। मानस की पंक्तियों में तुलसी लिखते हैं, जब हनुमान जी भगवान के चरित्र का गायन, जब सीता के हरण के बाद राम की जो यात्रा थी उसके विषय में सुनाते हैं, तुलसी लिखते हैं, सुनते ही सीता कर दुख भागा। वो चर्चा सुनते ही सीता जी के मन में जो दुख था, विरह की वेदना थी, वो सब भग गई। सीता जी को यह विश्वास हो गया, मेरे हरण के बाद भी भगवान निष्क्रिय होके नहीं बैठे हैं, मेरी खोज में लगे हुए हैं, तो उनका विश्वास था। तो बड़ी सुंदर हनुमत चरित्र के माध्यम से जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में और भी क्षेत्रीय भाषाओं में मानस में जो है रामायण सतकोटि अपारा, अनंत रामायण है। हर भाषा में रामायण का गायन किया गया है। भारत की एक जितनी भी अभी जिन राज्यों में जो भाषा बोली जाती है वहाँ के विद्वानों ने रामचरित्र का गायन अपनी अपनी लोक भाषा में किया है। जैसे हम इस हिंदी भाषी क्षेत्र में तुलसी की मानस की कथा को बड़े चाव से, अनुराग से, प्रेम से सुनते हैं, इतर भाषाओं में भी, उस क्षेत्र की भाषाओं में भी उसी तरह से गायन होता है। और वो गायन जब कर्णरंध के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश, हृदय में प्रवेश करता है, देखो प्रसन्नता के दो रूप होते हैं। एक तो हंस देना, यह प्रसन्नता का प्रतीक है, किंतु एक वह शब्द जब हमारे कर्णरंध के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। नीरा कहते हैं पानी को। मेरे गुणों का गायन जो करता है या जो सुनता है, गदगद गिरा, उसकी वाणी गदगद, जैसे हम अभी महाराज जी की कथा को श्रवण कर रहे थे, बार बार महाराज जी भाव विभोर हो रहे थे जब सीता की बात आती थी और हनुमान जी की यात्रा का प्रकरण आता था, उस प्रेम में जो है महाराज जी बड़े भाविक हो जा रहे थे। यह चरित्र की उदात्तता
और परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और कार्य करने की कुशलता जो दूत कर्म में हनुमान जी ने की है, यह बड़ी प्रशंसनीय है। कथा का विस्तार नहीं करते हुए हमारे बगल में बैठे हुए हनुमान जी ने भी हमको बोला सिर्फ 10 मिनट ही बोलेंगे और आशीर्वाद स्वरूप बोलेंगे, और कथा आप लोगों ने श्रवण की है। वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी यानी जो है वाल्मीकि ने सीतायांग चरित्रम महत की बात कह करके संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में सीता का ही चरित्र महत्वपूर्ण है। जब हम तुलसीकृत रामायण में पढ़ते हैं, सुनहु प्रियावृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहब नर लीला, तब लगी करहूँ अग्नि महभाषा, जब लगी करहूँ निशाचर नाशा। वह पराम्बा भगवती माँ पराम्बा सीता जो आदि शक्ति जेही जग उपजावा, सोई अवतर ही मोरी यह माया। जो भगवान की सृष्टि के विकास में भगवान की मनसा को पूर्ण करने के लिए यह जराचर जगत की संरचना करती है। संकल्प परमेश्वर का होता है और प्रकृति उसको रूप देती है। इसी को भगवान ने गीता में भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में मेरे संकल्प की पूर्ति के लिए यह प्रकृति चराचर जगत की संरचना करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतीय वैदिक दर्शन में पुरुष और प्रकृत्यात्मक जगत कहा गया है। पुरुष परमात्मा संकल्प करता है, प्रकृति उसको कार्य रूप देती है। जैसे एक इंजीनियर एक कागज में किसी इमारत का नक्शा बनाता है पर वह उसको जमीन में खड़ा नहीं कर पाता, उसके लिए मिस्त्रियों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, तो एक कारीगर उस कागज में बनी हुए उस नक्शे वाली बिल्डिंग को और ईंट माटी के माध्यम से उसको जमीन में खड़ा करता है और लोगों के उपयोग में आने के लिए उसको तैयार करता है। तो इसी तरह परमेश्वर संकल्प करता है और भगवान जो है नहीं, भगवान के संकल्प को प्रकृति पूरा करती है। तो इसीलिए जब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने रावण के अत्याचारों से पीड़ित हुई संपूर्ण धरा के अच्छे व्यक्तियों ने भगवान के पास जाके प्रार्थना की, उनकी स्तुति की, तो भगवान ने कहा था, जन डर पे हूँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें ही लागे धरिय हो नर वैसा। फिर कथा बताई कि किसके यहाँ मैं अवतरित होऊंगा और इसके बाद कौन कौन मेरे साथ आएंगे। अंशन सहित मनुज अवतारा, लीन हूँ दिनकर वंश उधार, मैं अपने अंशों के साथ आऊँगा, अकेले नहीं। और साथ में आदि शक्ति जे ही जग उपजावा, सोई अवतर ही मोर यह माया। यह जो मेरी प्रकृति है वो भी प्रकट होगी। तो रावण ने उस परमात्मा की जो आदि शक्ति है, कभी कभी व्यक्ति अपने शक्ति के घमंड में इतना पागल हो जाता है, वो यह नहीं समझ पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो उसके परिणाम की परवाह किए बिना वो दुस्साहस करके उसको छेड़ने की कोशिश करता है, और यही रावण ने भी किया। और परिणाम आरंभ में लंका दहन और परिणाम में रावण का वध, और इन दोनों के माध्यम से उपजी हुई एक भक्त की गाथा है विभीषण की, जो रावण के दुस्साहस को दूर करके लंका को एक अच्छा सुशासन प्रदान करते हैं।
यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम बहुत संपत्ति प्राप्त कर ले हम सुखी हो जाएंगे, किंतु उस संपत्ति का हम सत किस रूप में विनियोजन कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। इसलिए रावण उस संपत्ति का उपयोग आसुरी संपदा की वृद्धि के लिए कर रहा था, पर विभीषण ने उस संपदा का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया, इसलिए लंका को भी सुशासन प्राप्त हुआ और रावण सरी के दुराचारी का अंत हुआ। और जो माँ जो बंदर, अच्छा कभी कभी एक विचित्र बात होती है, बानर और भालू भगवान की सेना के में थे, कोई धनुष बाण नहीं चलाता था, कूद कूद करके लड़ते थे। मान तुलसीदास जी ने एक जगह बड़ी सुंदर बात लिखी, जब हनुमान जी और अंगद विकट अष्टहास करते हुए उस लंका के महलों के ऊपर खड़े हो करके गर्जना करते थे, हनुमान अंगद रण गाजे हाँक सुनत रज नीचर भागे, ये बड़ी सुंदर युक्तिवत उसका हम अर्थ करें तो यह प्रतीत होता था घर में रहते हुए वह राक्षस लोग भी उन बंदरों की गर्जना को सुन करके कौन दरवाजे से बाहर की ओर निकलें, अपना संरक्षण करें, अपने को बचाएं, इस भय से भयभीत थे। बड़ी सुंदर मानस की कथा पूज्य महाराज श्री ने हनुमत चरित्र के माध्यम से सुनाई। और हम तो ये मानते हैं यह हिमालय की भूमि भगवान शिव की तपोभूमि है, और यहाँ की एक कहावत है, जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए थे, वहाँ के तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं उनके गांवों में हम लोग जब मानसरोवर की परिक्रमा कर रहे थे, एक गांव मिला तो गांव वालों के बीच में हम लोग बैठे, उनके थोड़ी सी हिंदी जानने वाले से लोगों से हमने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे शंकर जी कब से यहाँ रहते हैं? वह कहने लगे, काशी का एक राजा आया हिमालय में, ये उनकी बात थी जिसको मैं दोहरा रहा हूँ, काशी का राजा आया और हमारी बेटी को उसने शादी कर ली, और तब से वो कैलाश में ही रह गया, फिर काशी लौट करके नहीं गया। तो हमको ससुराल के बड़ी प्रसन्नता हुई, और जब उनकी बात करने का जो तरीका था उससे इतनी हंसी नहीं आई, पर जो उनके अंदर से भाव विभोरता हो रही थी वो फिर कभी लौट करके नहीं गया और हमारी बेटी के घर जमाई बन करके यहाँ रह गया। तो जब हम लोग जनकपुर में जाते हैं, जनकपुर वाले कहते हैं राम जी नहीं गए जनकपुर से, वो हमारी सीता किशोरी जी के साथ जनकपुर में ही रह गए। तो उनसे पूछो कि भाई जब राम जी नहीं गए, सीता जी नहीं गई, तो ये राम का वनवास, वो तो कहते हैं छाया थे वो, असली राम और सीता तो अवध ये कहाँ मिथिला में ही रह गए। और यही बात जो है वृंदावन के भगत भी कहते हैं कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ करके गया ही नहीं। तो एक भगत थे ऐसे, वो भी कहने लगे, वो प्रवचन में बोल रहे थे, कृष्ण कभी भी वृंदावन के छोड़ करके गए नहीं। जब उन्होंने कथा कर ली, ये अपना स्रोत मुनि आश्रम में कथा चल रही थी, महाराज जी हम भी थे वहाँ, महाराज जी ने बुलाया, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकन्न गच्छति, वो तो उन्होंने श्लोक बनाया है, वो पदमेक नहीं, वो तो पूरे ही चले गए, एक दो पद की बात नहीं है, भगवान के अवतार का एक उद्देश्य होता है, बाल लीला भी उद्देश्य था,
क्योंकि ये आसुरी शक्तियाँ राम के समय में रावण ने एक क्षेत्र को चुना था, वो क्षेत्र था लंका, जहाँ आसुरी शक्ति सब एक जगह पर एकत्रित थी। तो भगवान राम को कोई तकलीफ नहीं हुई, वहाँ पहुँच करके उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और सतयुग के अवतारों में कभी नरसिंह हो गए तो भक्त प्रहलाद की रक्षा कर दी, कभी भगवान ने बाराह का रूप रखा तो पृथ्वी का उद्धार किया। किंतु द्वापर की परिस्थिति बड़ी विलक्षण थी। द्वापर में असुरों ने एक जगह को ही नहीं चुना, वह आसुरी शक्तियां संपूर्ण परिवारों में प्रवेश कर गई, सब जगह पर आसुरी शक्तियां फैल गई। कौन असुर है, कौन देवता है, कौन अच्छे विचार वाला है, कौन बुरे विचार वाला है, इसका कोई भी वह नहीं रहा। तो ऐसे समय में धर्म संस्थापनार्थाय जो भगवान की उद्घोषणा है वो पूरी होना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने अवतार यानी जो है अपने अवतार के समय जो भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में थे उनको खूब आनंद देने के लिए भगवान ने बाल लीलाएं की। और इसके पश्चात देखो 12 वर्ष तक 11 साल कितने महीने तब भगवान जो है वृंदावन में रहे, और फिर 25 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे, और 6 महीने भगवान ने शांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण किया। तो इसके बाद जब जरासंध के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो भगवान ने समुद्र में द्वारिका बसाई। तो ये लीला भक्तों की भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, और जब भी हम भी वृंदावन जाते हैं तो हमें भी ये महसूस होता है शायद कृष्ण यहाँ छोड़ करके नहीं गए हैं। किंतु सत्य यह है भगवान की बाल लीला, फिर भगवान की किशोर लीला, और फिर मध्यम चरित्र की लीला ऐसी विलक्षण लीला है। उन असुरों को ढूंढना बहुत कठिन था। भीष्म पितामह जैसे प्रतापी सत्य प्रतिज्ञ के अंदर भी जो है ये असुरों ने प्रवेश कर दिया था, और उनकी बोली खुली नहीं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रोणाचार्य शरी के ब्रह्मर्षि के अंदर में भी उनकी भी वाणी कुंठित हो गई थी। तो इतना फैली हुई आसुरी शक्तियों का ढूंढ ढूंढ करके भगवान ने वध किया, यह भगवान की लीला थी, भगवान के अवतार का उद्देश्य था। ठीक है, भगत लोग यही मानते हैं। हम लोग गए एक जगह पे सूरत के पास, वहाँ एक भगत ने जो है वह उनका जो है महेश्वरी हैं, सिकंदराबाद में रहते हैं वह, उन्होंने वहाँ पे एक सीमेंट का कारखाना बनाया है। वहाँ एक बढ़िया भगवान का मंदिर बनाए हैं, मंदिर छोटा है, मूर्ति बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे जब हम गए तो पुजारी जी से हमने पूछा, भाई मूर्ति तो बड़ी सुंदर है। कहते हैं महाराज ऐसी मूर्ति तो भारत में भी नहीं है, इतनी सुंदर मूर्ति है वो उसके। तो हम जहाँ रहते हैं, जिस धारणाओं में हम जीते हैं, जिस वातावरण में हम पलते हैं, वो हमको अच्छी लगती है। इसीलिए मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ूंगा, रहूंगा ब्रज में ही, ये भक्तों की भावना है। किंतु भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। सीता अन्वेषण की कथा और जिसमें हनुमान जी की भूमिका, इस विषय में बहुत ही सुंदर, सुनने में रोचक, चिंतन करने में बड़ा आनंद देने वाली कथा को सवेरे भी श्रवण कराया और अभी भी हम सब लोगों ने उसे श्रवण किया।
वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने सीतायांग चरितम महत की बात कह करके रामचरित्र में सीता जी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। सीता जी का त्याग, सीता जी का प्राकट्य, यह बहुत रोचक भी है, महत्वपूर्ण भी है। जैसे अभी पूज्य स्वामी जी ओम और राम की शब्द की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने बताया, अगर रामचरित्र में सीता का चरित्र नहीं होता तो रामो विग्रहवान धर्म की जो हमारी सनातन संस्कृति में जो धारणा है वो शायद पूरी नहीं होती। सीता का त्याग, सीता जी का पतिव्रत धर्म, सीता का छाया की तरह राम का अनुसरण करना, यह बहुत महत्वपूर्ण कथा के रूप में हम लोग श्रवण करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, और जो पति और पत्नी के संबंध हैं, इसको भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप स्थान इसमें सीता जी का है। अभी आप महाराज श्री से कथा श्रवण कर रहे थे, सुग्रीव के निर्देशन पर बंदर चारों दिशाओं की ओर प्रवेश करते हैं और उनको समय दिया जाता है कि एक महीने के अंदर आप लोग सीता मिलें या न मिलें वह समाचार हमको यहाँ आकर के दोगे। वाल्मीकि रामायण में उसका बड़ा वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो छेपक में सिर्फ उसका एक संकेत भर किया है, पर वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जब चारों दिशाओं की ओर बंदरों को भेजते हैं तो हर जगह का परिचय देते हैं, कहाँ कहाँ होकर को तुमको जाना है, कैसे कैसे स्थानों के बीच से गुजरना है और कहाँ जाकर के अपनी यात्रा को पूरी करके लौट के आना है। जब भगवान राघवेंद्र राम ने सुग्रीव की ये बातें सुनी और बंदर सेना को चारों तरफ से अन्वेषण के लिए उन्होंने भेज दिया तो भगवान एकांत में सुग्रीव से पूछते हैं, सुग्रीव जिन स्थानों का तुमने वर्णन किया वो तो बड़े दुर्गम हैं, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, तब भी तुम बड़ी जैसे तुमने देखा हो, तुम गए हो वैसे स्थानों का तुमने वर्णन किया, इसका जानकारी तुमको कैसे प्राप्त हुई? मध्यकालीन भारतीय संतों की परंपरा के अंतर्गत उदासीन संप्रदाय और नाथ संप्रदाय को केंद्र में रख कर के कल हमने चर्चा शुरू की थी। आचार्य भगवान श्री चंददेव जी का प्राकट्य पंजाब में हुआ था और उस समय पंजाब से लगती हुई बलूचिस्तान, अफगानिस्तान आदि जितना भी क्षेत्र था वो जो है मुगलों के अधिकार के अंदर था और मुगलों के मनमर्जी के व्यवहारों से वहाँ की हिंदू जनता बड़ी त्रस्त थी। तो आचार्य जी ने सिंधु को अपना केंद्र बना करके नगर ठट्टा में को अपना केंद्र बना करके उन्होंने हिंदू जनता का संरक्षमा की टोपी और जो मत्थे को ढकने के लिए हम टोपी रखते हैं
जिसको एक और कहते हैं अचलाशिर संतोषने के लिए क्षमा की टोपी। चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमको किसी तरह से उत्तेजित करने की कोशिश करे, किंतु हम उसको क्षमा कर दें, यही हमारी टोपी का मतलब है। ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, यत का आड़बंद, संयम यानी ब्रह्मचर्य का आड़बंद, जिसे लंगोटी बांधने की प्रक्रिया के अंदर कहा गया है, शील लंगोटी, संयम की लंगोटी, शीलता की लंगोटी, यह हमारी लंगोटी है। और यत का जो है आड़बंद है संयम का। फिर कहते हैं अकाल खिंता निराश झोली, जो झोली है निराश, इसमें किसी तरह की आशा नहीं है, निराशता ही हमारी झोली है, जो कभी खत्म नहीं होती है, एक शीश स्थिति बनी रहती है, उसको अकाल कहते हैं। अकाल खिंता निराश झोली, युक्ति का टोप, गुरुमुख की बोली। मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो नभ मंगल हो जल मंगल हो नभ मंगल हो जल मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो तन मंगल हो मन मंगल हो तन मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो गति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल मंगल
मंगल मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।